जब हम ऐसी स्थिति में खींचे जाए तब समझना कि हमारी यात्रा कोई गुणातीत व्यक्ति की ओर, गुणातीत पीठ की ओर, गुणातीत अवस्था की ओर, गुणातीत दृश्य की ओर, गुणातीत घटना की ओर। उसको फिर अनदेखा, इस धक्के को अनसुना मत कर। तो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण तीनों से गुणातीत जो है, राम गुणातीत है, राम कथा गुणातीत है, इसलिए हम सब खींचे जा रहे हैं। रजोगुण तो लेन देन की बात करते हैं, हम कथा में डूबे हैं क्यों, कौन सी लेन देन है हमारी? रजोगुण तो लेन देन की बोली बोलता है, तमोगुण तो घमंड करता है, तोड़फोड़ करता है, सत्वगुण भी आखिर में बांध देता है, फिर भी हम सब जुड़े हैं एक पोथी के अगल बगल में। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, आप इधर हैं, आप इधर हैं, एक व्यवस्था के रूप में मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे, लेकिन सब हम एक ही केंद्र के चारों ओर खींचे जा रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं। तो तामसता जो है हमें तोड़ देती है, गुणातीत अवस्था हमें जोड़ देती है, हमें खींचे लिए जाती है, हम खींचे जाते हैं। तो ये बड़ा प्यारा प्रश्न था कि दंश टूटा डोरी टूटी की नहीं, डोरी है प्रेम की डोरी, डोरी है स्नेह की डोरी, स्नेह रज्जु सर्प रज्जु तो वेदांतियों का है, स्नेह रज्जु भक्ति मार्ग, वेदांति लोग कहते साप रज्जु, भ्रांति है, कला है। तो आपका प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, वो बीच में ये भी रहेगा, हकीकत भी तू और तू ही ख्वाब है, शेर सुनिए, हकीकत भी तू और तू ही ख्वाब है, तेरे सवाल का तू ही जवाब है, सवाल ही को ही अपने आप को जवाब को खोजना होता है, हर जवाब तो पराई होंगे, अपने अंदर से उठा ही अपना हकीकत भी तू ही ख्वाब है, तेरे सवाल का एक तू ही जवाब है, कहते हैं कि तू कहीं पर नहीं, कहते हैं कि तू कहीं पर नहीं, उसके लिए हर रोज कौन मिलता है, कहते हैं कि तू कहीं है तो मुझे रोज कौन मिलता है, हवा के रूप में, फूल के रूप में, तरंग के रूप में, किसी खुशबू के रूप में मुझे कौन मिल रहा है, यदि तू कहीं नहीं तो ये कौन है जो मैं महसूस करता हूं। अगर तू सच नहीं तो तू झूठ भी नहीं, किसी के लिए तू कुछ भी नहीं, पर मेरा तो तू परवरदिगार है। आई एम योर फ्लावर फ्रॉम ग्रीस विथ योर ग्रेस